तो कायदे से यह राजनीति का विषय है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए और समय कैसा बदल गया कि इसकी बजाय हमें मीडिया क्या कर रहा है इसके बारे में विचार करना पड़ रहा है। तो उसका कारण यह है कि मीडिया का स्वरूप ऐसे बदल गया है कि वो राजनीतिक पार्टी का एक विंग बन गया है, और जैसे कि सारा का सारा कर्नाटक में कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसका सारा जो दारोमदार जो है वो मीडिया पर हो गया है। आप याद कीजिए, कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं, कई बार जब मान लीजिए पाकिस्तान के साथ कुछ थोड़े बहुत तल्खियां होने लगती है या चीन के साथ होने लगती है तो कार्टून और मीम्स बनते हैं, ऐसा लगने लगता है कि सेना तो बाद में आक्रमण करेगी पाकिस्तान पे, पहले मीडिया वाले अपने स्टूडियो से निकल निकल के कहीं हमले करने ना शुरू करते पाकिस्तान पे। तो राजनीतिक दलों का जो बहुत बड़ा काम जो है उसमें मीडिया ने अपने अपने हिस्से ले लिया है, उसका काम कम्युनिकेट करना नहीं रह गया है, उसका काम रह गया है उकसाना या किसी एक पार्टी के खिलाफ मोर्चेबंदी करने में अपनी आका पार्टी को समर्थन देना है। जो लुटियंस जो मीडिया है जिसको हम नोएडा मीडिया भी कहते हैं, बहुत सारे देखिए कितनी अच्छी बात है कि मीडिया के कितने सारे नाम हो गए आज हमारे पास, हम उसको नोएडा मीडिया भी बोलने लग गए, बूंदी मीडिया भी बनने लग गए, बहुत सारे नाम हो गए हैं। तो ऐसा स्वर्णिम काल जो है मीडिया का शायद ही कभी भारत में आया होगा। मुझे याद है जब मैं महाराष्ट्र राजनीतिक दलों को विधानसभा को कवर करता था, एक समय महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसे भी आया था, आप मानेंगे नहीं राजू जी, कि उस समय मुख्यमंत्री पद के लिए 11 उम्मीदवार थे, जिसमें विलासराव देशमुख भी थे, शरद पवार भी थे, सुशील कुमार शिंदे भी थे, अंतुले भी थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे। उन सबकी खबरें मीडिया छापता था, उस मीडिया को कहीं किसी से उससे यह सरोकार नहीं रहता था कि मुझे इस नाम को प्रमोट करना है या इस नाम को दबाना है, और कोई राजनीति के बुरा नहीं मानता था। एक राजनीतिज्ञ का नाम अगर उछलता था कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, दूसरे का देते थे भाई ये तो जो है ये निष्ठावान कांग्रेसी नहीं है, ये तो पार्टी को छोड़ के जा चुके थे, वो भी छपता था। लेकिन उसके बाद जो मीडिया ने जो भूमिका अपनी बदली, उसका ही कारण है कि आज हम राजनीति पे बात कम कर रहे हैं और मीडिया पे बात ज्यादा कर रहे हैं, जबकि ये विषय जो है प्योरली ये राजनीतिक है। अब आप देखिए कि इसलिए अब राजनीतिक चीजों की जो रिपोर्टिंग होती है उसमें मीडिया क्या भूमिका निभा रहा है और क्या मिसचीफ कर रहा है, इसको जान लेना बड़ा जरूरी होता है। डीके शिव कुमार जो है वो कह चुके हैं कि भाई बगावत करना या ब्लैकमेलिंग करना मेरी तासीर में नहीं है, बहुत स्पष्ट बोल चुके हैं, वो मीडिया में आ भी चुका है, कुछ अखबारों ने उसको छापने की हिम्मत भी की है। इसके बाद अगर समय ले रही है कोई पार्टी अपना मुख्यमंत्री चुनने में तो क्यों समय नहीं लेगी, इतना क्रूशियल पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, हजारों हजारों की संख्या में क्लर्क और चपरासियों के जो नियुक्तियां जो होती है वो कई कई साल लटकती है, तो क्या एक पद का एक ऐसे क्रूशियल राज्य का मुख्यमंत्री जिसके ऊपर कांग्रेस का पूरा भविष्य का दारोमदार है, इसलिए वो विषय केवल कर्नाटक का नहीं है, आने वाले अगले कई चुनाव और उसके बाद जो है लोकसभा का चुनाव जो है उसमें जैसे हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं और सारा मीडिया कर रहा है, बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं कि कर्नाटक का चुनाव जो है वो किसी भी पार्टी को 2024 के सत्ता के दरवाजे तक ले जाकर छोड़ने वाला है, ये बात तो स्पष्ट हो गई है। तो कांग्रेस क्यों ना सोच समझ के समय ले और एक ऐसा व्यक्ति बैठाए कि जो ठीक से इस सरकार को आगे चला सके, और जो राजनीतिक एजेंडा और जो विमर्श सेट किया गया है इस चुनाव प्रचार के दौरान उसको उस विमर्श को आगे बढ़ाए। मैं एक बहुत पुरानी घटना याद दिलाता हूं राजीव जी, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को लेकर बड़ी समस्या थी, 1997 की बात है, उस समय राम प्रकाश गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, और बताया गया था कि लगभग 2 दशक के बाद उनको झाड़ पोछ के पता नहीं कहां संग्रहालय से निकाल के उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। मीडिया ने उसको भरपूर उसका मजा लिया, मीडिया ने भरपूर उसके खिलाफ छापा, कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं थी कि मीडिया का एक वर्ग ऐसा कोई भी नहीं था कि जो उस मजेदार वाक्य को, वो वाक्य बहुत बड़ा प्रहसन था, राजनीतिक प्रहसन, कि जब बड़े बड़े लोग पद के दावेदार थे तब राम प्रकाश गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था जिसको लोग भूल चुके थे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री किसी भी इसका कौन बने ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इसका कारण ये है कि पत्रकारों ने और मीडिया ने जिस प्रकार से राजनीतिक गलियारों में चहलकदमी शुरू कर दी है, हमने तो ये भी उदाहरण देखा है कि किस विभाग का कौन सा मंत्रालय बनाया जाए, इसको लेके बाकायदे एक बहुत बड़ी लॉबिस्ट थी जो सामने आई थी, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रकरण हो चुका है। ये हालांकि कांग्रेस के दौरान की बात है, लेकिन ये है, तो मीडिया की जो बदलती भूमिका है उसके कारण आज हम इस मुद्दे पे खड़े हैं। अब अगर हम ये कहें कि आखिर ऐसी स्टोरी क्यों चला रहा है मीडिया, तो उसका कारण ये है कि मीडिया अभी से बता देना चाहता है कि देखिए भाई, आप अगर गैर बीजेपी को चुनेंगे तो वहां पे अस्थिरता पहले दिन से शुरू हो जाएगी, ये अपना मुख्यमंत्री तक नहीं चुन सकते,
तो ये सरकार क्या चलाएंगे। दूसरी बात, ये इसका भी बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, पार्श्वभूमि तैयार कर रहे हैं कि कल को अगर किसी को खरीदना पड़े, किसी को तोड़ना पड़े, किसी को दबाना पड़े, तो उसके लिए पहले से बता दिया जाए कि देखिए जिस समय सत्ता पे जो आए थे मुख्यमंत्री फला बने, ए बना था तो बी असंतुष्ट था, या बी बना था तो ए असंतुष्ट था, तो सरकार तो गिरनी ही गिरनी थी। ये भूमिका जो मीडिया बना रहा है इसको हमें समझ लेना चाहिए। जांच एजेंसियों के लिए भी रास्ता खोलने का काम जो है वो एक प्रकार से मीडिया कर रहा है कांग्रेस के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी को मदद देने के मामले में। देखिए यहाँ छत्तीसगढ़ की एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, यहाँ आबकारियों को लेकर बहुत सारे छापे पड़े। ये कौन सही है क्या सही गलत है ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी दी है और इनको ईडी को कहा है कि आप भय फैलाने का काम ना करें, ये कल की टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। तो ईडी का जो काम है, ईडी के लिए जो रास्ता खोलने का काम जो है मीडिया यहाँ पे कर रहा है, इसको लोगों को समझना होगा। और ये जो समय लिया जा रहा है बहुत ही सामान्य समय है, क्योंकि शिव कुमार जो है पहले से उनके ऊपर आरोप भी लगे हैं, तो आखिर कौन सी पार्टी चाहेगी कि हम ऐसा मुख्यमंत्री बनाए जिसे कोई समस्या हो, या ऐसा हम मुख्यमंत्री बना दें कि जिसके कारण सरकार चलाना शामिल हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समय ले, समय के साथ एक अच्छा मुख्यमंत्री दें। तो ये सारी परेशानी जो है मीडिया को इसलिए है क्योंकि वहां पर भाजपा पराजित हो गई है। दुर्भाग्य ये है कि हम मीडिया का हिस्सा होने के बावजूद मीडिया के उस हिस्से पे हमें भी प्रहार करना पड़ता है, लेकिन वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि मीडिया का अगर वो हिस्सा लोकतंत्र के खिलाफ खड़ा होगा तो वो हिस्सा हमारा भी दुश्मन हो जाएगा राजीव जी, क्योंकि हम विपक्ष के साथ हैं और हम लोकतंत्र के साथ हैं। इसलिए ये मुद्दा जो है, ये भूमिका जो है मीडिया की, उस पर भी विचार करने के लिए बहुत हमको मजबूर करता है राजीव जी। जी जी बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी, अब जरा दीपक जी। जी निश्चित रूप से इस समय भारतीय जनता पार्टी के सामने एक नहीं बहुत निर्णय है और सारी जो एक तरह से उफान पर है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर कर्नाटक जीत जाती भारतीय जनता पार्टी तो उसके लिए कुछ तो आसान हो चुका रहता, लेकिन अब समस्या यह है कि अभी कर्नाटक जिस तरीके से हारे हैं और उसके बाद जितने भी चुनाव होने जा रहे हैं उसमें उसके लिए कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं दिखती। और जो कुछ भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे वो सतपाल मलिक के द्वारा हो, चाहे महुआ मित्रा के द्वारा हो, या जो अपने आप उठ रहे हैं, या सारी चीजें जो है इस समय राहुल गांधी उठा रहे हैं, या भारत जोड़ो यात्रा से उठते उठते यहां तक पहुंच गए हैं, ये जो सारे के सारे मुद्दे अब जो एक विशाल आकार ले रहे हैं, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी की नींद निश्चित रूप से उड़ने के पर्याप्त कारण है। अब देखना यह है कि अगला जो साल सवा साल उसके पास जो बचता है, देखिए विधानसभा चुनाव की बात मैं बहुत नहीं कह रहा हूं क्योंकि मोदी जी की इस समय प्रायोरिटी जो है, उनकी प्रायोरिटी इस समय अपने अपनी सत्ता बचाने की, मतलब केंद्र की सत्ता बचाने की रहेगी। उन्हें यह पता चल गया है, हमसे ज्यादा वो भी जानते होंगे, उन्होंने भी ज्यादा मॉनिटर किया होगा कि आने वाले अब जो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्या होने जा रहा है, तेलंगाना में सब जानते हैं क्या होने जा रहा है। तो अब मोदी जो है उनका पूरा फोकस जो रहेगा, पूरा कंसंट्रेशन अब जो रहेगा 2024 में अपने आप की उम्मीदवारी को बचाना, उस उम्मीदवारी को फिर से प्रधानमंत्री के पद के रूप में फिर से, मतलब वापस उस दावे उस पद को पाना और 2024 का चुनाव जिताना जो है वो रहेगा। लेकिन इसके लिए उसके सामने जो सबसे बड़ी कमी रहेगी वो मुद्दों की रहेगी, किन मुद्दों को लेके वो जाए, जिसके ऊपर हमारे सारे साथी इस समय चर्चा कर भी रहे थे कि परेशानियां एक नहीं बहुतेरी हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि मोदी जो है किस तरीके से, केवल जश्न मनाने से नहीं होगा। अभी जो उन्होंने जब उनके पूरे 9 साल पूरे होंगे उसके जश्न जो है एक तरह से शुरू हो गए हैं, तो वो जश्नों से काम नहीं चलेगा। जश्न के द्वारा वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार और नेहरू जी की बातें और वंश परंपरा इसके बाद में भी बात कर लेंगे, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी की बातों में जो लोग आ रहे थे, अब अगला बचा जो 1 साल है उसके बारे में सीरियसली सोचेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 3, 4, 5 चुनाव जब नतीजे लेके आएंगे तब में या तो कांग्रेस जीतेगी या कोई और, चाहे तेलंगाना में कोई और जीते, लेकिन अब लोग जो हैं इसको बहुत गंभीरता से लेंगे और ये जो सारी चीजें हैं ये सारी चीजें अब सामने आएगी। असली बात यह है कि जांच से भी अब कुछ नहीं होगा। जैसे जैसे जांच बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी छापेमारी बढ़ेगी, जैसे जैसे आप लोगों को शिकंजे में लाते जाएंगे, अब जो है लोग उसमें नहीं फंसेंगे और वो मान के चलेंगे कि इनके पास ऐसा है जो वो छुपाना चाहते हैं, मतलब मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकार, ये सब उसके खिलाफ जाएगा। तो इसलिए
बीजेपी की अगर नींद उड़ी है